नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कल्याण सिंह की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देश में 90 के दशक की सियासत मंडल कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही थी। इससे पहले जब बीजेपी का गठन हुआ था तो कल्याण सिंह को प्रदेश संगठन में पदाधिकारी बनाया गया। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन में जान फूंकी और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। कल्याण सिंह की सक्रियता से बीजेपी यूपी में मजबूत पार्टी बनकर उभरी। राम मंदिर की लहर में बीजेपी ने साल 1991 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई। यूपी में उस समय कल्याण सिंह की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी। यूपी में सरकार बनी तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। कल्याण राम मंदिर आंदोलन के लिए जैसे एक आस बनकर उभरे थे। यूपी में उस समय युवाओं ने एक नारा दिया था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। यूपी में हर तरफ इस नारे की गूंज थी। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कल्याण सिंह के कुछ खास किस्से। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के SGPGI अस्पताल में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे बीते 1.5 महीने से इसी अस्पताल में भर्ती थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्याण सिंह का नाम हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर सख्त और अनुशासित मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखा जाएगा। कभी खुद टीचर रहे कल्याण सिंह पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर यकीन रखते थे। इसी कारण वो यूपी में मुख्यमंत्री रहते हुए नकल अध्यादेश लेकर आए। उनके इस अध्यादेश के दौरान एग्जाम में सख्ती का अलग ही आलम था। नकल करने वालों को सीधे जेल होती थी, जिसे आम छात्र भी कांप जाते थे। आइए जाने 89 साल के जीवन में कल्याण सिंह के नाम कितनी उपलब्धियां और कितने विवाद आए, जाने उनका पूरा सफर। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अतरौली में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और माँ का नाम सीता देवी था। धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ में उन्होंने BA LLB की पढ़ाई की। उन्हें कबड्डी देखने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके 2 बच्चे बेटा राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और बेटी प्रभा देवी हैं। उनका बेटा भी राजनीति में है, वो एटा से BJP सांसद है। कल्याण सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो राजनीति में आने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कल्याण सिंह ने टीचिंग का करियर शुरू किया था। साल 1975 में देश में आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 21 महीने जेल में बिताए। जेल से वापस लौटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर राजनीति में उनका नाम कुछ ऐसा चमका कि वो यूपी के मुख्यमंत्री तक बने। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें प्रदेश के हालातों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद प्रदेश के बिगड़ते हालातों में न सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, साथ ही इस दुखद घटना की नैतिक जिम्मेदारी भी खुद ली थी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अयोध्या पहुंचे कार सेवकों पर किसी भी हाल में गोली चलाने की इजाजत नहीं दी थी। वर्तमान में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के एटा से सांसद हैं। बता दें कि कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली, फिर जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।
1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाबरी विध्वंस के अलावा वो एक और वजह से याद किए जाते हैं, वो था नकल अध्यादेश। उस दौरान कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये काल बन गया था। लेकिन साथ ही वो बच्चे भी थर्राते थे जिन्हें लगता था कि कहीं से गलती से उन पर ही कोई नकल की पर्ची ना फेंक दे और उन्हें जेल जाना पड़ जाए। कल्याण सिंह जीवन भर एक योद्धा की तरह रहे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। एक महीने पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में रखा गया। लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वे बीते 1.5 महीने से जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के वक्त मुलाकात करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता जा चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा उनके स्वास्थ्य का जायजा लेने अस्पताल जाते थे। CM योगी ने भी एक दिन पहले उनका हाल अस्पताल जाकर लिया। प्रधानमंत्री समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उनके लखनऊ आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और काफी भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने कुछ बातें भी कही जो इस प्रकार हैं। आदर्शों को, संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। हम सबके लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, फिर तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को
प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत, जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छु होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़, वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने प्रदेश में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है, लेकिन देश हमेशा कल्याण सिंह को याद रखेगा क्योंकि वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चुनावी घोषणा पत्र पर लोगों की राय जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मां गंगा के जल में बहती हुई लाश देखकर हमें दुख होता है, अगर उसको देखकर किसी के मन में आक्रोश नहीं आता या दुख नहीं होता, किसी का मन उन्हें देखकर चिंतित नहीं हो जाता तो एक बहुत बड़ा विषय है। खुर्शीद ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी भी चीज को लेकर लोगों को भावुक करना राजनीतिक दल का काम नहीं होता, बल्कि लोगों को सही राह दिखाना और विश्वास जगाना भी राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। हम वो करके दिखाएंगे। खुर्शीद आगे कहते हैं कि गंगा में लाशें बही मगर कुछ लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं है। गंगा में तैरती लाशों को किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। दरअसल यूपी में 2022 में पार्टी से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला प्रियंका गांधी करेंगी, ये वो कहते हुए नजर आए, जो जल्द सबके सामने होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी, नहीं जीती तो भी भारी अंतर जरूर पैदा कर सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ये विश्वास नहीं है कि वो 2022 में चुनाव जीत सकती है। उनका ये कहना है कि 2022 में अगर चुनाव नहीं जीती तो भारी अंतर जरूर पैदा कर सकती है। सलमान खुर्शीद का ये बड़ा बयान सामने आया 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र पर लोगों की राय जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मां गंगा के जल में बहते हुए शव देखकर हमें दुख होता है। यानी कि उन्होंने मुद्दा उठाया कोरोना का, जब दूसरी लहर पूरी तरह से चरम पर थी और गंगा में बहती हुई कुछ शव देखे गए थे, साथ ही साथ प्रयागराज में जिस तरह से शव दफन किए गए थे वो कोई भूल नहीं सकता, अगर उसको देखकर किसी के मन में आक्रोश नहीं आता या दुख नहीं होता, किसी का मन उन्हें देखकर चिंतित नहीं हो जाता तो ये बहुत बड़ा विषय है। सलमान खुर्शीद ये कहते हुए नजर आए। खुर्शीद ये भी कहा कि सिर्फ किसी भी चीज़ को लेकर लोगों को भावुक करना राजनीतिक दल का काम नहीं होता, बल्कि लोगों को सही राह दिखाना और विश्वास जगाना भी राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। हम वो करके दिखाएंगे। खुर्शीद ने आगे कहा कि गंगा में लाशें बही मगर कुछ लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं है। गंगा में तैरती लाशों को किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। दरअसल यूपी में 2022 में पार्टी से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला प्रियंका गांधी करेंगी, जो जल्द सबके सामने होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी, नहीं जीती तो भी भारी अंतर जरूर पैदा कर सकती है। अब अयोध्या भी देश के बुलेट ट्रेन के नक्शे पर होगा, यानी दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी।
केंद्र सरकार ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर और प्रमुखता से लाने की गरज से ये योजना बनाई है। अयोध्या में प्रस्तावित मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना लाने के बाद अब बुलेट ट्रेन भी अयोध्या तक जाएगी। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से अयोध्या तक की 670 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में सिमट जाएगी। कॉरपोरेशन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को आला अधिकारियों ने अयोध्या का दौरा किया और वहां बुलेट ट्रेन के स्टेशन, यार्ड, आवासीय सुविधाएं सहित रेल लाइन अलाइनमेंट और अन्य बाकी तमाम सुविधाओं का जायजा भी लिया। सूत्रों के मुताबिक योजना ये बनाई जा रही है कि अयोध्या में बुलेट ट्रेन का स्टेशन 75 एकड़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होगा। ये लखनऊ गोरखपुर बाईपास से भी काफ़ी नज़दीक होगा। कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस परियोजना के लिए 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी अर्जी लगा दी है। जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कॉरपोरेशन के सूत्र बताते हैं कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तो बाद में बनेगी, लेकिन ये तय है कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन से अलग ट्रैक दिया जाएगा। यानी कि यह बुलेट ट्रेन अयोध्या तक जाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। ऐसे में अब अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यानी कि अब दिल्ली से अयोध्या जाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से आप सिर्फ 2 घंटे का सफ़र तय करेंगे और अयोध्या पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। दरअसल अयोध्या भी देश के बुलेट ट्रेन के नक्शे पर होगा, यानी दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी। केंद्र सरकार ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर और प्रमुखता से लाने की गरज से ये योजना बना दी है। अयोध्या में प्रस्तावित मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना लाने के बाद अब बुलेट ट्रेन भी अयोध्या तक जाएगी। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से अयोध्या तक की 670 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में सिमट जानी है। कॉरपोरेशन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को आला अधिकारियों ने अयोध्या का दौरा किया और वहां बुलेट ट्रेन के स्टेशन, यार्ड, आवासीय सुविधाएं सहित रेल लाइन अलाइनमेंट और अन्य बाकी तमाम सुविधाओं का जायजा भी लिया है। योजना ये बनाई जा रही है कि अयोध्या में बुलेट ट्रेन का स्टेशन 75 एकड़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होगा। ये लखनऊ गोरखपुर बाईपास से भी काफी नजदीक होगा। इसके साथ ही कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस परियोजना के लिए 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी अर्जी लगा दी है। जैसे ही प्रमाण पत्र मिलेगा परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तो बाद में बनेगी, लेकिन ये तय है कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन से अलग ट्रैक बनाया जाएगा। देश आज भाई बहन के पवित्र प्यार का पर्व रक्षाबंधन मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रक्षाबंधन के त्यौहार की धूम है। राखी के मौके पर राजनेताओं ने भी बधाई संदेश जारी कर देशवासियों को बधाइयां दी हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए रक्षाबंधन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरी बहन के स्नेह और साथ के लिए मेरे जीवन में एक खास जगह है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं और रक्षक भी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा है कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में पुरानी तस्वीरों का कोलाज शेयर किया है। प्रियंका गांधी ने तस्वीरों के साथ रक्षाबंधन की बधाई दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि देश में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और कई राजनेता इसको लेकर बधाइयां भी देशवासियों को दे चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ पुरानी तस्वीरें अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शेयर की हैं और रक्षाबंधन के इस मौके पर अपना जो स्नेह है वो अपनी बहन के लिए यहां पर दिखाया है। दरअसल देश आज भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को मना रहा है और तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो कि हर्षोल्लास से भरी हुई हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो रक्षाबंधन का त्यौहार की धूम है वो देखते ही बन रही है। राखी के मौके पर राजनेताओं ने लगातार बधाई संदेश जारी कर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई दी। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरी बहन के स्नेह और साथ के लिए मेरे जीवन में एक खास जगह है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं और रक्षक भी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल से वायनाड से सांसद
राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा है कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। वहीं इसी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी स्टोरी लगाई है और पुरानी तस्वीरों का कोलाज शेयर किया है। प्रियंका गांधी ने तस्वीरों के साथ रक्षाबंधन की बधाई देशवासियों को भी दी है और अपने भाई राहुल गांधी को भी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर जमकर हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। सपा सरकार में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था। उस दौरान सेफा सीआईए लिस्ट पर एक ही जाति के लोगों की नियुक्तियां की जाती थी। सपा सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडा राज था, ऐसे में जनता उनको दोबारा क्यों चुनेगी। गौरतलब है कि स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को हरदोई पहुंचे थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में स्वतंत्र देव सिंह यहां पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के द्वारा की गई एक टिप्पणी की 2022 में जनता सपा सरकार बनाएगी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जनता ने ऐसा कोई मन नहीं बनाया है। 2022 में जनता अखिलेश की सरकार क्यों बनाएगी और क्यों ऐसा मन बनाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने प्रदेश के लिए क्या किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 सालों में जितनी नियुक्तियां नहीं हुई उतनी नियुक्तियां 4 साल में हुई हैं। सरकार ने 4,30,000 भर्ती की। अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार ये सब था, लेकिन योगी सरकार में ईमानदार नेता हैं, जनता की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य गरीबों की सेवा करना है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है, सभी समाज को सभी वर्गों को जोड़ना और उनके लिए काम करना, जनता को खुशहाल रखना ही बीजेपी सरकार का काम है। तो यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह अखिलेश सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे में 2022 के लिए जनता ने अखिलेश सरकार के लिए कोई मन नहीं बनाया है, क्योंकि सिर्फ अखिलेश सरकार ने लोगों का यहाँ पर लोगों के साथ विश्वासघात किया है, साथ ही साथ यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन किया है। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन को 2 सप्ताह यानी कि 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही उसने 23 अगस्त से सिनेमाघरों तथा 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। इससे पहले कोविड-19 लॉकडाउन को 23 अगस्त शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री AK स्टालिन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और लॉकडाउन को अतिरिक्त छूटों के साथ और 2 सप्ताह तक यानी कि 6 सितंबर शाम 6 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ रोटेशन के आधार पर फिर से खुलेंगे। वहीं सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कक्षा 8 से 8वीं के लिए स्कूल फिर से खोलने पर फैसला 15 सितंबर के बाद किया जा सकता है। 1 सितंबर से पॉलिटेक्निक और कॉलेज को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2 संबंधित विभागों के सचिवों द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। सरकार ने समुद्र तटों, चिड़ियाघरों, पार्कों और बोट हाउस को खोलने की अनुमति दी है और कहा है कि सिनेमा हॉल 23 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। स्विमिंग पूल प्रशिक्षण के उद्देश्य से खोले जा सकते हैं। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा की अनुमति दी जाएगी। सभी दुकानों को सोमवार से रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में लॉकडाउन की अवधि जो है वो 2 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।